देखिए, किसी मित्र का प्रश्न है, पंच महाभूतों की शुद्धि की प्रक्रिया क्या है और उनकी साधना किस प्रकार की जाती है। प्रत्येक तत्व से संबंधित सूक्ष्म भोजन क्या है और उसे किस प्रकार ग्रहण किया जाता है। साधक किस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म आहार की तरफ गतिमान हो सकता है, और कृपया ये भी बताएं आकाश तत्व को ज्यादा से ज्यादा कैसे जिया जाए। चार पांच प्रश्न एक साथ हैं तो पूछते हैं, पांच तत्वों की शुद्धि, तत्व हमें यूं तो दिखाई नहीं देते, अनुभव में नहीं आते, और आते भी हैं तो हम उन्हें समझ नहीं पाते। हमारा शरीर पांच तत्वों का जोड़ है, अगर बहुत गहरे से देखो तो ये शरीर नाम की जो चीज है ये जोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जोड़ किसी छठवीं चीज को पैदा करता है। अगर जोड़ ना हो तो छठवीं चीज अदृश्य रहती है, और वो छठवीं चीज है आत्मा। हमारी आत्मा पांच तत्वों के जोड़ का परिणाम है। ऐसे मानिए कि आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है, भ्रमण है। जब पांच तत्व इकट्ठे होते हैं तो वो अदृश्य से छुपी रहती है, अदृश्य परमात्मा में छुपी रहती है, और पांच तत्व जैसे ही इकट्ठे हुए कि वो प्रकट होती है। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, दो प्रेमी प्रेम का मिलते हैं, अगर दो अलग अलग हैं तो प्रेम प्रकट नहीं होता, सोया रहता, लेकिन जब वे दो इकट्ठे होते हैं तो अदृश्य रूप से प्रेम उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता, इसलिए किसी को पता नहीं लगता कि प्रेम कहां से आ गया, बस आ जाता है, हो जाता है। आत्मा भी इसी तरह से हो जाती, पांच तत्वों का जो है वो। निश्चित ही हमारे पांचों तत्व जो जिनसे शरीर बना है, ढंग हमारा ऐसा है कि हम अप्राकृतिक जीते। अप्राकृतिक जीने में इनमें दोष पैदा हो जाता है। सबसे ज्यादा अप्राकृतिक जीना क्या है, प्राकृतिक जीना और अप्राकृतिक जीना। जब कोई आदमी बेहोशी को जीता है तो वो अप्राकृतिक जीवन है, और जैसा हम जीते हैं वैसे हम होते,
हम बेहोशी को जीते हैं तो और अप्राकृतिक होते चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पांचों तत्व और भी दूषित हो जाते हैं। वो अपने स्वभाव में ठीक से नहीं होते, और जब स्वभाव में ठीक से नहीं होते तो उन पांचों तत्वों में वो जोड़ नहीं बन पाता, सही हार्मोनी नहीं बन पाती जिसमें आत्मा प्रकट होती है सोई हुई। सारी साधना इन पांचों तत्वों के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि हम बने तो उसी से। और जब वे प्राकृतिक ढंग से जीने में आते हैं तो आत्मा प्रकट हो जाती है, वो आत्मा को जीने लगते हैं। और जब वो आत्मा को जीते हैं पांचों तत्व, तब पांचों तत्वों में एक छठवां तत्व जो बनता है वो है मन। एक छठवां तत्व पैदा होता है पांचों तत्वों में, मन है। मन विकृत जोड़ का परिणाम है। जब ये पांचों तत्व विकृति में जुड़े होते हैं तो मन पैदा होता है, और ये जब पांचों अपनी हार्मोनी में जुड़े होते हैं तो आत्मा पैदा होता है। और मन आत्मा जैसी भाषा बोलता है, बिल्कुल आत्मा जैसी। अब सीधा मन पर कोई क्या प्रयोग करेगा, क्योंकि वो विकृत तत्वों के जोड़ का परिणाम है। वो जोड़ हमारा विकृत हो गया है, हम पांचों तत्वों को अननेचुरल जी गए। अननेचुरल जिएंगे तो परिणाम में क्या आएगा, मन बन जाए आत्मा की जगह, आत्मा की जगह मन ले लेगा और ऐसी खबरें देगा अनाप शनाप, आपका सारा ध्यान इधर उधर हो जाए, ऐसी खबरें देता है। हम चाहते हैं कि मन ठीक ठाक हो जाए। अब वो गलत कैसे हुआ है वो पकड़ो, कोई चीज गलत कैसे हुई वो देखना पड़ता, गलत कैसे हुई है जो पकड़ में आए तो ठीक तो अपने आप हो जाए। और हम गलत कैसे हो गई वो नहीं देखते, ठीक हो जाए उसके उपाय ढूंढते, सारे उपाय फेल होते, मन को कोई ठीक कर नहीं पाता। क्योंकि सीधा मन का ठीक करने का वो परिणाम है, मन जैसा कोई अस्तित्व वैसा नहीं है, वो गलत तत्वों के साथ जीने का परिणाम। तो साधक को पूरा जोर पांचों तत्वों के प्रति बहुत जागृति का प्रयोग करना। पानी पीते हैं आप, इतनी जागृति से पीए, इतनी जागृति से पानी पीए आप कि उसका पानी का गुण बदल जाए। पानी बेहोशी से भी पिया जा सकता और जागृति से भी पिया जा सकता। जब जागृति से पिएंगे तो पानी के गुण बदल जाएंगे। तो जो दोष पैदा हो रहा था उस तत्व में, जल तत्व, क्योंकि जल तत्व का सेवन करते वक्त अगर बेहोशी साथ में गई तो उसका गुणधर्म बदल जाएगा, उससे विकृत मन पैदा होगा। भोजन करते हैं, पृथ्वी तत्व है भोजन, और भोजन को बेहोशी में डालते हैं, बेहोशी में डालोगे विकृति आएगी,
वायु का जो हम स्पर्श करते हैं उसका भी सही आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हम होश में नहीं। अग्नि का भी, और सबसे ज्यादा बेहोश तो हम आकाश में होते हैं। इन तत्वों का तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सघन विरल हो सकते हैं, ये चार तत्व सघन विरल होते हैं, लेकिन आकाश सघन विरल होता नहीं। तो आकाश तत्व जो है उस पर डायरेक्ट प्रयोग कर नहीं सकते आप। ये चार तत्वों में जब शुद्धि आएगी तो आकाश तत्व के प्रति आपका बोध घट जाए। अभी आप आकाशी होने की कोशिश कितनी करो वो मन का खेल होगा, तो छूट छूट जाएगा। जब तुम ये चारों तत्वों जल पृथ्वी अग्नि वायु ये चार जो हैं इनका आपको सही तरीके से प्रयोग करना, तो साधक ने पूछा है कि शुद्धि कैसे हो। शुद्धि हर तत्व के प्रति जागृत होने से उस तत्व की शुद्धि होती, और ये तत्व पांचों हमें रोज समाते रहते, क्योंकि बिना रोज रोज की खुराक के आप टिक नहीं सकते। आपको परमात्मा रोज रोज बना रहा है, मजा देखो आप रोज रोज बन रहे हैं। ऐसा मत समझना कि कल का काम हमारा चल जाएगा, आप रोज रोज बन रहे हैं। आप श्वास ना लो एक घंटा, काम हो जाएगा पूरा आपका। इसका मतलब क्या हो कि रोज रोज आपको अपने से अपने में जुड़ना पड़ता है, यानी जो भोजन की जो खुराक है उससे ज्यादा खुराक सांस की है। सांस है प्राण। जब ये चारों तत्वों को हम बहुत अच्छे ढंग से जीने लगते हैं तो फिर इनके ऊपर तत्वों के ऊपर है प्राण। फिर प्राण को आप बहुत प्रेम से जी सकते हैं। प्राण को जीने के लिए आपको आपकी श्वास के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण और ध्यानपूर्ण, अकेले ध्यानपूर्ण से थक जाओगे। बहुत लोग ध्यानपूर्ण होने की कोशिश करते रहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन प्रेमपूर्ण, अगर किसी चीज से थकान हो रही है तो आप पक्का मानना वो प्रेमपूर्ण नहीं है। आपने देखा है कि जब आप प्रेमपूर्ण होते हैं तो थकान नहीं होती, और जब आप प्रेमपूर्ण नहीं होते तो हर चीज थका देती, हर चीज थकाएगी आप। यानी थकान जो है ना वो प्रेम का अभाव है, ऐसे समझ। प्रेम तुम्हें, जब तुम प्रेम पूर्ण होते हो तो तुम सीमित नहीं रहते, प्रेम तुम्हें असीम से जोड़ देता, और असीम पूरा इतना प्रेम पूर्ण है, असीम में सिवा प्रेम के कुछ है ही नहीं। और जो सीमित हम होते हैं वो प्रेम का अभाव है। हम यहां 20 लोग बैठे हुए हैं,
और 20 लोगों की एक यूनिट बन गई। यहां जैसे मैंने कहा कि प्रेमी प्रेम को इकट्ठे होते हैं तो वहां बीच में प्रेम पैदा हो जाता है। हम 20 लोग तो बैठे हैं ना, इन सबका जोड़ है होश। ये 20 ही लोगों का सहयोग है, ये 20 ही बैठे, तो आप यहां अकेले नहीं बैठे, आप 20 मिला के बैठे, हम सब जुड़े हुए हैं। तो कभी भी साधक को इकाई नहीं समझना चाहिए। अकेले तो तुम कभी हो ही नहीं सकते, तो अकेले कैसे होगे? 5 तत्व जुड़े हैं और 5 तत्वों का परिणाम जो आया है वो मन और आत्मा है, और 5 तत्व अगर उनमें से एक भी तत्व खिसक गया तो आप कहां रहे? इसी तरह से सब चीजें जुड़ी रहती हैं और हम 20 लोग जुड़े हुए। 20 लोगों का जोड़ जो है वो है होश। अभी इसमें से एक आदमी रह जाए, 19 लोग निकल जाए, होश कम पड़ जाए। होश की जो प्रक्रिया है अब फिर 5 तत्वों के जोड़ की रह गई, और ये इतने लोग जो बैठे थे ये सब मिला के देखो, इन्हें व्यक्ति की तरह मत, ये सब हमारे अंग है। जैसे रथ होता, रथ उसमें पहिए, लकड़ियां, चाप, फिर कीले, फिर और चीजें, फिर और चीजें, फिर और चीजें, सब मिला के क्या बनता है? रथ। अब उसमें से एक कील को भी अगर निकाल दो तो रथ का जो अस्तित्व है वो कम हो जाता है। हम एक ऐसे रथ हैं, सारे अस्तित्व का जोड़ है, सारे अस्तित्व का, अस्तित्व की हर चीज हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है जैसे चाक में कील भी मूल्यवान है, उतनी मूल्यवान है, नहीं चाक का पहिया बाहर गिर जाएगा। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उस सभी का जोड़ है आप। उन सबको मिला के आप में जो मन पैदा होता है, आत्मा पैदा होती है, वो सबका जोड़ है। अब आत्मा मन कहो तो डायरेक्ट जैसी कोई चीज नहीं, जोड़ का परिणाम है। इस बात को अगर आपने समझ ली तो जो व्यक्ति बोध है आपका उसका भ्रम निकल जाएगा कि हम कुछ चीजों के जोड़ के परिणाम हैं। इसका मतलब है हमारा हम में कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि देखो, 5 तत्वों को अलग अलग कर दो, आत्मा का पता नहीं लगेगा, मन का भी पता नहीं लगेगा, और 5 तत्व इकट्ठे हो जाए, मर जाता आदमी, क्या होता है? 5 तत्व अपने अपने स्वभाव में चले जाते हैं, और जो तुम अनुभव कर रहे थे, जो प्रकट हुआ था, वो 5 का जोड़ था, तो टूट क्या जाता? जोड़ टूट जाता। और हम यहां जोड़ से भग रहे हैं,
हम जो है हर चीज से नफरत करते हैं या किसी चीज को पसंद करते हैं और किसी चीज को नकारते हैं, ये बीमारी हमको निकाल देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि तुम कुछ नहीं, एक जोड़ सब कुछ पैदा हुआ है। इससे अहंकार, इस धारणा से अहंकार विदा हो जाएगा, अहंकार बचेगा, क्योंकि सबको जो लगता है कि मैं कुछ हूं यार, मेरे भीतर कुछ है, ऐसा सबको लगता है। जो तुम्हारे भीतर कुछ है वो विकृति का, होश का और बेहोशी का परिणाम है। बेहोशी का परिणाम मन है और होश का परिणाम आत्मा है। तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है। तुम्हें आश्चर्य लग रहा होगा मेरी बात सुनकर, हम छाती ठोक ठोक कर कहते थे हम, इसलिए किसी को कोई नहीं मिलता। आंख बंद करके देखता, सारे यति जति मुनि सब आंख बंद कर करके मरे जा रहे हैं, कुछ मिलते ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, सन्नाटा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता किसी के लिए। बात समझने की होती है कि जो है वो तुम्हारे बावजूद है, वो किसी जोड़ का परिणाम है जो प्रकट हुआ, वो जोड़ का परिणाम है। पांचों तत्वों के जोड़ से आत्मा पैदा हुई है, उनकी शुद्धि में और उनकी अशुद्धि में मन पैदा हुआ, तो दोनों ही तुम्हारे नहीं है। पहली बात तो तुम ही नहीं हो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम खुद ही नहीं हो तो तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये सूत्र किसी को पकड़ में आ जाए तो ठंडा हो जाए, अहंकार विदा हो जाए, क्योंकि जो अहंकार मैं तू तू करता रहता है, अगर ठीक से समझ में आ जाए कि जोड़ उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए पिताजी मर जाते हैं, हम देखते रहते हैं, ना कुछ आया ना कुछ गया, पांच तत्वों का जोड़ टूट गया और जो चीज जहां से आई थी वह चीज समा गई। तत्व तत्वों में समा गए, आत्मा परमात्मा में समा गए, मन टूट गया, कुछ बचता ही नहीं है। और गहरे से देखो और जब कुछ बचता ही नहीं है तो डींग मारने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को डींग नहीं मारना चाहिए। तो मैं ऐसा, मैं एनलाइटेंड और मैं ज्ञानी और मैं अज्ञानी, मुझे ज्ञानी, पहली बात यह है कि तुम हो ही नहीं, तुम पांच तत्वों का जोड़ का परिणाम, इससे ज्यादा नहीं, तुम जैसी कोई चीज है ही। अब देखो जब तुम जैसी कोई चीज नहीं है तो फिर बचता क्या है अस्तित्व। इस सूत्र को जानते ही तुम परम सत्ता हो गए, जब तुम नहीं हो तो कुछ तो है, जब तुम नहीं हो तो अस्तित्व है, परमात्मा है, और जब तुम हो तो कुछ नहीं, ब्रह्मणा। अगर तुम हो तो मात्र भ्रमणा हो। तो जब तक साधक को ये भ्रम पैदा होता है कि वो है, तब तक वो बड़ी मजेदार भ्रमणा को सजोए रहता है, उसमें बड़े बड़े अनुभव भी ढालता रहता है, क्योंकि कल्पना करना, झूठ में से झूठ बहुत निकलती, कल्पनाओं का ऐसा बड़ा खेल है कि उसमें नए नए खेल चल चला कर 70-80 साल गुजर जाते हैं लोगों। कुछ लोग संसार में भ्रमणाएं पालते हैं और कुछ लोग अध्यात्म में भ्रमणाएं पालते हैं, और मजा देखो कुछ है ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं था,
पहले दिन से सिवाय एम्प्टीनेस के और कुछ था नहीं। जो परम सत्ता है वो ऐसी है जैसे है ही नहीं, जोड़ में वो आत्मा के रूप में प्रकट होती है। तो वो प्रसाद पूर्ण हो जाता है, सब कुछ सबको समा रहती है एक प्रसाद। जैसे दो लोग मिलते हैं तो प्रेम घट जाता है, और प्रेम फिर बदलता है कि नहीं, आपको आपके जीने का ढंग बदल जाता है, पूरा चाल बदल जाती है, एक अहोभाव आने लगता है, एक कुछ अलग ही पिघल जाते हो, ऐसी स्थिति होती है ना। प्रेम का मतलब दो जने पिघल गए, और दो जने पिघले मतलब मिटे, और मिटे और कोई एक चीज पैदा हो गई अस्तित्व, इसे प्रेम कहते हैं। और आप पूरे शुद्ध हो जाओ तो आत्मा प्रकट होगी। तो पांचों तत्वों की शुद्धि हमारे भीतर आत्मा को पैदा करती है, और पांचों तत्वों की शुद्धि, उन तत्वों को आप ग्रहण कैसे कर रहे हैं, आपको होश पूर्वक ग्रहण करना पड़ेगा, तो फिर सतत होश बना रहेगा, क्योंकि आपने जो डाला वो होश से डाला, भोजन डाला होश से डाला, पानी डाला होश से डाला, गति की तो होश से की, सूरज स्नान किया तो होश से किया, वायु स्नान किया तो होश से किया। और जब ये चारों चीजों पे होश पड़ जाएगा तो आकाश तत्व के प्रति आकाश झलकने लगेगा आप में, क्योंकि आकाश का आपको पता इसलिए नहीं लगता है कि ये चारों तत्वों में अशुद्धि है, और चारों तत्वों की अशुद्धि शुद्ध जैसी होगी और तुम्हें आत्मा पहले पहले आकाश झलकेगा, और आकाश के पार से प्रकट होती है आत्मा। आकाश यानी ऐसे देखो तो मुर्दा शून्य का नाम आकाश, और उसमें जीवंतता भर जाती है वो आत्मा। आत्मा आकाश जैसी होती है लेकिन जीवंत, पूरी प्राणों से भरी हुई शून्यता, रूखी सूखी नहीं, वो फिर जागृति से आती है। तो पांचों तत्व, अब हम जिंदगी को जिस ढंग से जीते हैं, मेरे ख्याल से 99% हम पांचों तत्वों से बदला ले रहे हैं, जैसे कि ये इकट्ठी कैसे हो गए, ये बिखर जाएं, हम मिटे ही जाएं, मिटाने की तैयारी करते रहते हैं, विकृत करने के अलावा हम और कुछ करते नहीं। और साधु संत कहते हैं कि ये संयोग बड़ा गजब का है, ये पांचों तत्वों का जो संयोग बना है जिसका नाम मनुष्य है, अद्भुत घटना घटी है। क्योंकि दो व्यक्ति के मिलने से जिस ढंग से प्रेम प्रकट होता है, पांचों तत्वों के मिलकर शुद्धि में जीने से आत्मा और परमात्मा प्रकट होता है। आत्मा प्रकट होती है, आत्मा फिर विराट होती चली जाती है तो परमात्मा जैसी हो जाती है, परमात्मा प्रकट होता है, सब जुड़ा हुआ है। और आप जहां खड़े हो सब छुपा हुआ, छुपा इसलिए है कि विकृति है, तो विकृति में वो प्रकट तो है लेकिन मन रूपी है, वो मन रूपी वो बड़े मजे करा रहा है, इतना दुखी सुखी करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि तुम बेहोशी में जी रहे हो उसकी सजा भुगतते हो, जो मन उपद्रव करता है वो सजा है प्रकृति की, कि तुम बने थे उन तत्वों की शुद्धि के लिए कि वो शुद्ध बने रहें। क्योंकि तत्व तो इकट्ठे शुद्धता में आए, तत्व जब इकट्ठे हुए तो शुद्धता में ही हुए। तो आपने देखा होगा बच्चे में आत्मा ज्यादा प्रकट दिखती है, बच्चा जब पैदा होता है तो वे पांचों तत्व बहुत शुद्ध हैं, तो बच्चे में आत्मा दिखती है, झलकती है उसका प्रकाश, जो अच्छा लगता है हम।
फिर धीरे धीरे हम उसे विकृत करते हैं, क्योंकि हम विकृत हैं, वो बेचारा विकृत लोगों के हाथों में पड़ जाता जिसे माँ बाप कहते हैं। और भी जब तक अपने जैसा ना बना लें, विकृत ना कर दें, बल्कि अपने से भी जरा ज्यादा ही विकृत करने की कोशिश करते हैं माँ बाप, तो बेटा हमसे ज्यादा विकृत हो जाए, हमसे ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाए, हमसे ज्यादा सर्कस करे, हमसे ज्यादा जीत के आए, जो हमने नहीं जीता वो जीत ले, जो हम नहीं कर पाए वो करे, मतलब हम विकृति देते हैं। बाप बने बैठे देते क्या है, विकृति। पैदा होते ही बच्चे को हम जो भी देते हैं सिवा विकृति के कुछ नहीं देते, जो संसार का नियम। तो बच्चा देखो आप उसमें आत्मा, क्योंकि पांचों तत्व शुद्ध हैं, तो आत्मा बड़ी प्रकट हो रही, उसकी आंखों में निर्दोषता देखो, मजेदार, बहुत मजेदार लगती है। धीरे धीरे 3 साल का बच्चा होते होते निपट जाता, उसके अंदर आत्मा सो जाती, मन पैदा हो जाता, मन विकृति का जोड़ है, पांचों तक विकृत होकर मन खड़ा कर लेते हैं, आत्मा सो जाती। अब वो प्रकृति के नियम में है, सोएगी आत्मा, पहले आत्मा की तरह पैदा हो गए तो मन की तरह संघर्ष चलेगा, और जब साधना चलेगी तो जहां से शुरू हुई थी यात्रा वहीं से फिर बच्चे जैसे हो गए, बूढ़ा बच्चे जैसा हो जाए। इसका मतलब है उसकी पांचों तत्वों की शुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, तो वो बच्चा हो जाएगा। जैसे ही किसी के पांचों तत्व शुद्ध होते वो बच्चे जैसा हो जाता, क्योंकि उसके अंदर सरलता आ जाएगी, आत्मा प्रकट हो जाएगी, उसके अंदर बड़ी सहजता होगी, सरलता होगी, लावण्य होगा, बातें कुछ बदल जाती पूरी की पूरी। तो जिन मित्र ने पूछा है, अच्छा प्रश्न है, शुद्धता कैसे आए, तो जो तत्वों का आप प्रयोग कर रहे हो उनके प्रति जागृति जबरदस्त डाली, पानी को जागृति बना दो पीते वक्त, खाना को जागृति बना दो, चलने को जागृति बना दो, जैसे जागृति चल रही, धूप में बैठो तो इतने जागृत हो जैसे धूप भी जागृत हो गई, नदी में नहाओ इतनी जागृति हो गई नदी भी जागृत हो जाए। अब वहां तो हम अल्लाह गुल्ला मचाते होंगे, जागृति कब करते, अल्लाह गुल्ला करते हैं, एक दूसरे को देखते होंगे और क्या करते, खेल चलता होगा, मतलब बेहोशी का खेल। मेरा कहने का मतलब ये, कृत कुछ भी करो, हर एक कृत से आपके भीतर कुछ जा रहा है, हर कृत से आप भीतर कुछ गेन कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो। तो यदि आपकी प्रसन्नता नहीं बढ़ रही है, रात आपकी बहुत अच्छी नहीं होती है सौंदर्य को, तो निश्चित ही आप कुछ तत्वों में खटर पटर कर रहे हैं, हारमोनी बिगाड़ रहे होंगे, बेहोशी में उनकी हारमोनी बिगड़ जाती है और होश में उनमें हारमोनी बढ़ती है। और इन्हें क्या पूछा है, तो सूक्ष्म भोजन की जो जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो होश से उसमें जो होश डलता है वो है असली भोजन। हमको असली में होश को ही खाना, होश को ही पीना, होश को ही ओढ़ना और होश को ही बिछाना। हर जगह सूक्ष्म चीज जो है ना हमारे पास जो तत्व है वो होश है, जो बहुत सूक्ष्म है, और इनके माध्यम से, क्योंकि सीधा पकड़ में नहीं आता, तो भोजन के माध्यम से आप होश को खाने लगे, पानी के माध्यम से होश को खाने लगे, चलने के माध्यम से होश को जीने लगे,
धूप में बैठे हो और होश को पीने लगे। तो सूक्ष्म जो बात है वो होश है, जो सूक्ष्म तत्व जो इनने पूछा कि सूक्ष्म भोजन क्या है और उसे किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, साधक किस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म आहार की तरफ गतिमान होता है, मतलब वो जो मैं कह रहा हूं उसी का मतलब ये। और कृपया ये भी बताएं कि आकाश तत्व ज्यादा से ज्यादा, आकाश तत्व अपने आप घटेगा जब ये पांचों तत्वों में शुद्धि, चारों तत्वों में शुद्धि आएगी तो आपको आकाश घेरे रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे घेरा हो जाए, आकाश के प्रति जागृति अपने आप बनेगी। अगर तुम बनाओगे तो वो मन के खेल है, वो सहज रूप से बनेगी, वो अपने आप बनेगी। तो ऐसा विज्ञान है। अब हम उस विज्ञान को कितना ग्रहण कर पाते हैं अपने भीतर, उसी के परिणाम में हमें जीना मिलता है। प्रत्येक आदमी अपने जीवन का निर्माण कर रहा है, क्योंकि तो उसके पास मन है, तो मन निर्माण करता रहता है और अधिकतर गलत ही निर्माण करता रहता है, तो वो सही निर्माण करना नहीं पड़ता, वो तो होता, और तो गलत निर्माण करना पड़ता, पिटारा जोड़ना पड़ता। तुम्हारे घर में सामान रखा है वो अपने आप खत्म हो जाए, जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता, और अगर तुम्हें छूट दे दो तो वो सामान दो दिन में मिले गई, सब इधर उधर हो जाए। तो कोई चीज का विसर्जन तो सहज हो जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने छोड़ना पड़ता है सिर्फ, और उसका एकत्रीकरण बड़ी मेहनत लगाता है। तो हम सब गजब का श्रम कर रहे हैं भाई, जो मन के द्वारा खेल खेल रहे हैं वो गजब का श्रम, हम पूरा करकट इकट्ठा करते रहे, पूरा करकट, क्योंकि मन के द्वारा करते हैं, और मन तो पूरा करकट की भाषा समझता है। तो पूरा करकट का मतलब ऐसा नहीं है तुम दूसरों की बातें सुन रहे हो, दूसरों से बातें कर रहे हो, पूरा करकट इकट्ठा कर रहे हो तुम, अब पांच ही इंद्रियों से, पांच ही तत्वों से सिवा कूड़ा करकट के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, सुन रहे हो, बेहोशी में सुन रहे हो। तो क्या कर रहे हो, जब बेहोशी में सुन रहे हो तो सुन रहा है मन, क्योंकि मन बेहोशी में सुनेगा तो कूड़ा करकट ही सुन पाएगा, क्योंकि बेहोशी में तो कूड़ा करकट ही सुना जाता, उस पर ही जाती है नगा गजब की, कान का पूरा होश चला जाता है पूरा करकट सुनने में। आंख देखेगी क्या देखेगी, बेहोशी में जब आंख देखेगी उसके पीछे होश नहीं है तो पूरा करकट देखेगी, परम सौंदर्य जो जगत का है वो तो दिखेगा ही नहीं, इसे आंख को थोड़ी दिखता, आंख को दिखती है गंदगी, और गंदगी तुम्हें प्रिय है, गंदगी को तुम ऐसे देखते हो जैसे जो बड़ी गजब की चीज, ऐसे देखते तो आप गंदगी देखेगी, क्योंकि पीछे जागृति नहीं, तो जागृति जब नहीं होती तो ये हमारी पांचों इंद्रियां जो पांचों तत्वों से बनी है ये बिल्कुल उल्टा काम करती है, ये सीधा ये सब कूड़ा करकट इकट्ठा करती है, और वो कूड़ा करकट का जोड़ है हम इसे मन कहते हैं, इसलिए वो खटर पटर चलाता रहता, खोपड़ी बंद करके बैठो तो पूरा करकट घूमता रहता, ठीक तो ठाक चीज आती नहीं है, फिर हम उसकी सफाई करने का बहुत उपाय करते रहते हैं, वो दब जाता है, थोड़ी सी जागृति तुम बनाते हो उसमें दब जाता है, मौका पाकर फिर खड़ा हो जाता, ऐसी रामायण चल रही। बेसिक सुधारना पड़ेगा कि हम डाल क्या रहे हैं हमारे भीतर, तो स्थूल में भोजन पानी स्थूल में, और सूक्ष्म में देखना सुनना स्पर्श करना इस सूक्ष्म में,
किस चीज़ को स्पर्श करना है, किसको नहीं करना है। अभी तुम आँखों से स्पर्श करते हो, पता नहीं काय काय से स्पर्श करते हो, सूक्ष्म में भी विकृति, स्थूल में भी विकृति, तो फिर कुल मिला के आप कूड़ा करकट वाली चीज का नाम मन। मन को मैं कूड़ा करकट का जोड़ मानता हूँ, कि कोई चीज ऐसी बहुत सारी चीज़ों के जोड़ से खड़ी कर दो तो काम में किसी के नहीं आना, लेकिन नाम तो देना पड़ेगा कोई, उसका नाम है मन। बहुत सारी अंडसंड चीज़ें जुड़ी, आप देखो मन में कितनी अंडसंड चीज़ें जुड़ी हैं, आप अपने पूरे विचार देखो, मतलब कोई एक चीज़ का दूसरी चीज़ से तालमेल नहीं है, लेकिन इकट्ठी बैठी है सब, कभी मेरी बारी कभी तेरी बारी, जोड़ बिल्कुल नहीं। दो लोग बात करते हैं तो इसने अपनी कथा सुनाई, एक ने, इस कथा से सामने वाले को कुछ लेना देना नहीं, इसने अपनी माँ की कथा सुनाई, उसने अपनी भाभी की कथा शुरू कर दी। ये माँ की कथा जैसे ही बंद हुई कि वो बंदूक की तरह बैठी हुई है दूसरी, और उसने भाभी की कथा शुरू कर दी। अब भाभी की कथा और माँ की कथा से कोई जोड़ ही नहीं है। देखो दो लोगों की बातें मैं सुनता हूँ, मैं तो अपनी पत्नी को भी, वो किसी से बात करती हैं तो सामने वाला क्या कह रहा वो संदर्भ ही नहीं होता जब वो शुरू होती है। उन्हें तो मतलब कोई चीज याद करके कहना है, ऐसे समझो। ये सबकी कहानी कि कोई चीज तुम बंद हो बस, तो हमारे अंदर से जो, अब उसका तालमेल संदर्भ देखो आपस में तो बिल्कुल नहीं होता। अगर दो लोगों की बातचीत को गौर से देखोगे तो ये लगेगा ये दो ही पागल है, क्योंकि संवाद बिल्कुल नहीं है, संवाद उधर होता ही नहीं है, वहां एकालाप होता है, वार्तालाप बिल्कुल नहीं होती। और मैं तो ये कहता हूं कि कम और ज्यादा हम सब एकालाप ही करते हैं, वार्तालाप तो नहीं करते। वार्तालाप तो कोई और चीज का नाम है, बहुत ही अलग चीज का नाम है वार्तालाप। अधिकतर लोग बाग जो है एकालाप करते हैं। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और वे कोई ऐसी बात कहने लगते हैं, पता नहीं कौन सा इतिहास उठा के बोलने लगते हैं। अब मेरी बात से उस बात का कोई तालमेल ही नहीं है, मैं हंसता हूं कि मैंने कहा था क्या और मैं सुन क्या रहा, बिल्कुल तालमेल नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कुछ भरा था वो कहना है। तुम बंद भर हो जाओ, फिर वो जो भरा था वो उन्हें कहना है, तो वो अपनी रामायण सुनाते हैं। फिर मैं बीच में से रास्ता निकाल के कोई और बात कहता हूं, और थोड़ी देर बाद जब वो शुरू होते हैं तो बिल्कुल दूसरी बात कहते हैं। तो अधिकतर मैंने देखा है, अधिकतर लोग बाग वार्तालाप नहीं करते। वार्तालाप का मतलब ये, जो मैंने बात कही उसका एनालिसिस, उस बात को और गहरे ले जाना, या तुमने कोई बात करी उस बात को मैं और गहरा ले जाऊंगा और क्लियर फाइट करूं कि हाँ भाई जो तुम बात कह रहे हो उसको मैं क्लियर करूं और ज्यादा, तो थोड़ी सी वार्तालाप जैसी हुई। लेकिन मैंने कोई बात करी उससे आपको कुछ लेना देना नहीं, आपने बिल्कुल अपनी बात उठा दी, क्योंकि वो भरी हुई थी, आपको वो कहना थी। जैसे लोग सुनने नहीं आते, कहने ही आते, अबे भी मौका दे दूं तो सारे लोग कहने लगे, सुनना कम होगा कहना ज्यादा हो जाएगा, कहो मेरे कान बंद करना पड़े, इतनी तरह से बातें निकलने लगेंगे। अगर कह दो कि तुम अपने मन से कहो अब क्या कहना चाह रहे हो, तो हर एक आदमी गजब गजब की बात कह देगा, ऐसा खेल होगा। तो ये प्रश्न आपकी समझ में आया, अगर आया हो तो पानी ढंग से पीना।
अगर आ गया हो। क्योंकि देखिए जीवन में एक सुख उतर जाए, एक सुख पूरे जीवन, एक सूत्र पूरे जीवन को बदल देता अगर वो उतर जाए तो। ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पूरा गेस्टाल्ट बदल जाए। एक चीज अगर आपने याद रख ली कि मैं कुछ चीजों का जोड़ हूं बस, इससे ज्यादा नहीं, तो आप ठंडे हो गए। बिस्तर में भी आप ऐसे सो गए जैसे हो ही नहीं। किसके लिए रोगे, किसके लिए सोचोगे जब तुम हो ही नहीं, और जब तुम नहीं हो तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं है। जब तुम ही नहीं हो तो दूसरा कहां से होगा, दूसरा तो दूर दूर तक नहीं होगा जब तुम ही नहीं हो। तुम हो इसलिए दूसरा, अगर तुम्हारे चित्त में कोई दूसरा है तो इसका मतलब तुम हो, और तुम बिना दूसरे को मौजूद करे हो नहीं सकते। ये जीवन का नियम, हमें खुद होने के लिए किसी को मौजूद करके रखना पड़ता है, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, हमें बरकरार रखने के लिए दूसरे को याद करके रखना पड़ता। क्योंकि बिना दूसरे की सुरति के हम टिक नहीं सकते, क्योंकि हम हैं ही नहीं, मूल रूप से हम हैं नहीं। और अगर हमें अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है तो किसी के अस्तित्व को हमें खड़ा करना पड़ेगा जो हमारी इंद्रियों ने देखा हो, इंद्रियों ने स्पर्श किया हो, इंद्रियों ने सुना हो, इंद्रियों ने अनुभव किया हो। वो चीज, इंद्रिय जन्य चीज को हमें खड़ा करना पड़ेगा, उसकी मौजूदगी में हम अपने को अनुभव कर पाए। सीधा कोई आदमी अपने को अनुभव नहीं कर पाता, आप आश्चर्य करो। सीधा कोई आदमी अगर अपने को अनुभव कर ले तो वो बुद्ध हो, सीधा अनुभव नहीं करता कोई आदमी, परोक्ष रूप से अपने को अनुभव करता। इसलिए तुम उल्लू की तरह बैठे रहते हो ऐसे बेहोशी में, सपने चल रहे हो, कोई आकर जैसे ही आया वो तुम तुरंत हो जाते हो, तुम्हें करंट आ जाता है तुम अनुभव करने लगते हो अपने को। तो हम किसी और की मौजूदगी से अपनी मौजूदगी अनुभव करते हैं, ये बीमारी है। और जब कोई नहीं होता है तो हम मौजूद नहीं होते हैं, और मौजूद नहीं होते तो हम फिर बहुत बेचैन, बेचैनी चलती रहती है हमारे भीतर, सपने चलते रहते हैं, गैर मौजूदगी में जो उपद्रव होते हैं वे होते रहते हैं, प्रकृति खेल खेलती रहती है हमारे भीतर। तो किसी को मौजूद करना पड़ता है, खुद मौजूद होने के लिए खटर पटर करके ही रखना पड़ती है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम गायब से हो रहे हैं तो अच्छी चीज को मौजूद करना पड़ता है, कुछ प्लानिंग करने लगते हैं तो अरे वो ऐसा उससे थोड़ा सा करंट सा आ जाता कि नहीं हम हैं आगे से, नहीं एकदम गायब से होते देखेंगे तो लगता पागल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगने लगता। तो सीधे मौजूद नहीं हो सकते। पांचों तत्वों में जागृति आएगी, उसका परिणाम है तुम्हारी मौजूदगी। मौजूदगी का मतलब है आत्मा, आत्मा ही मौजूद रह सकती है। और आत्मा मौजूद जब रहेगी जब पांचों तत्वों में हारमोनी आ जाएगी। और सारी साधना किसी भी पंथ में हो रही हो, ये पांचों तत्वों में संगति बिठाने का खेल है, चाहे योग हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे और विधियां हो तंत्र की, ये सब पांचों तत्व जो बचपन से विकृत हो गए हैं, इन पांचों तत्वों को एक हारमोनी में लाना, ओरिजिनल अवस्था में लाना। और जे ओरिजिनल अवस्था में जैसे ही लाती आती हैं और आत्मा प्रकट हो जाए, तुम बुद्ध हो जाते हो, तुम बुद्ध हो जाते हो, ऐसा नहीं बुद्धत्व प्रकट हो जाता, कोई व्यक्ति बुद्धत्व नहीं होता, वो पांचों तत्व हारमोनी में आते हैं तो बुद्धत्व प्रकट होता, बुद्धत्व प्रकट होता है।
कोई बुद्ध हो जाता है ऐसा नहीं, बिल्कुल प्रकट होता है बस वो पांचों तत्वों के जोड़ में। और जब वो प्रकट होता, मन प्रकट होता है तो इतना खेल करता है, जब बुद्धत्व प्रकट होता है तो कोई अलग खेल होगा क्या? नहीं, हाँ आनंद उस सब करुणा प्रेम मैत्री दया सब निकलने लगे अपने आप। और मन प्रकट होता है बेहोशी में तो वो अपने खेल करता। तो ये सूत्र मैं आपसे कह रहा हूं कि बेहोशी का परिणाम है मन। मन से लड़ना मत, उस गरीब का बिल्कुल दोष नहीं है, दोष है पांचों तत्वों का विकृत हो जाना बेहोशी में जीने के कारण। तो हमको चलना फिरना उठना बोलना, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो किसी तत्व से संबंधित होती है, हमारा बोलना भी है तो किसी तत्व से संबंधित, चलना है तो किसी तत्व से संबंधित, खाना है उठना है इवन सोना तो भी किसी तत्व से संबंधित। तो जब हम होश की जागृति की महिमा को जीने लगेंगे तो उसमें से बड़ी महिमा निकलती है, बहुत मजेदार फील होता है और सारे प्रश्न विदा होते हैं। क्योंकि प्रश्न तो होते हैं मन में, आत्मा में तो कोई प्रश्न ही नहीं, और मन मन के प्रश्नों को हल कभी नहीं कर सकता। वो एक प्रश्न का मैं भी अगर जवाब देता हूं, तुम्हारा मन एक बात मेरी मानता है और नौ प्रश्न खड़े करता, एक से नौ खड़े हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा बातचीत में मेरा रस नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग और ज्यादा प्रश्न खड़े कर लेते हैं। चलता तो कोई है नहीं, जैसे मैं आज जो सूत्र बता रहा हूं उनमें से कोई चले तो भगवान जाने, लेकिन प्रश्न जरूर खड़े हो जाएं। अभी नहीं लग रहे होंगे मेरी मौजूदगी, लेकिन मेरी बातों में से प्रश्न खड़े हो सकते यार, वो ऐसी बात बाबा ने ऐसा कैसे कही। मन बहुत गजब की चीज है, प्रश्न खड़े कर ले सकते हैं। तो जी के जब अपन चलेंगे तो आत्मा पैदा होगी तो मन ही विदा हो जाए, तो प्रश्न हल हुए। ऐसे कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न जानने वाला ही मर जाएगा। तो प्रश्न उठा रहा था, प्रश्न करता, प्रश्न विदा नहीं होते, प्रश्न करता विदा होता है। प्रश्न करता है ही नहीं और वो है झूठा, बहुत गहरे में देखो तो वो झूठा ही है, सच्चा तो है नहीं। तो पूरा प्रश्नकर्ता विदा हो जाता है जब आत्मा प्रकट हो। तो आत्मा प्रकट करने की जो विधि है वो जो हम अपना रहे हैं, हम लोग सब जी रहे हैं, जितना ज्यादा होश पूर्वक आपके कृत रहेंगे, बुद्ध के विदा हो गए सब, महावीर के विदा हो गए, नानक के विदा हो गए, सबके इसी तरह से विदा हो, जीसस के विदा हो गए। आत्मा कोई व्यक्तिगत घटना नहीं, आत्मा अस्तित्व है, और जो आदमी शुद्ध हो जाता है उसमें वो प्रकट हो जाए। कोई निजी नहीं होती आत्मा कि मेरी आत्मा, तो निजी मन मान लेते हैं तो खटक पटक, कायदे से देखो तो वो भी निजी नहीं है, कि वो विकृति का परिणाम है। तो निजी कहाँ रहे, निजी तो कुछ है तुम हो ही कहाँ, तो निजी बहुत गहरे में तुम ही नहीं हो। तो निजी तो सच पूछो तो ना तो मन है, किसी का मन निजी नहीं है और किसी की आत्मा निजी नहीं है। आत्मा भी जोड़ का परिणाम और मन भी जोड़ का परिणाम। तुम कहीं नहीं हो, दूर दूर तक चुपचाप हो जाओ, मैं तू तू करना बंद कर दू, सीधे सीधे जीने लो, जैसे हो वैसे सीधे जीने, तो मान के ही मत चलोगे तुम। और जियो का जीना हो रहा है, तुमका जियो हो रहा है जीना, सांस चल रही है, तत्व काम कर रहे हैं, सिर्फ जागृत रह सकते, जागृति बढ़ा सकते।
तो आज की बात पूरी हो गई मेरे ख्याल से, तो और बची है, बची हो तो कोई प्रश्न खड़ा तो हो गई कहीं ना कहीं, आ गया होगा अब तक तो, और अपन क्लियरिफाइड करें नहीं फिर जागृति से सोएं। ठीक, तुम्हारा प्रेम।